हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम फेसबुक के सारे फ्रेंड्स को एक क्लिक करके अनफ्रेंड कर सकते हैं एक साथ। चाहे आपके 500 फ्रेंड हो, 1000 हो, 2000 हो, एक ही बार में उन सभी को अनफ्रेंड कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने एक अकाउंट ओपन कर रखा है यहाँ पर फेसबुक का, ठीक है। ये मैंने डमी अकाउंट बना के रखा है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे अपने जो मेरा मेन अकाउंट है उससे मुझे अनफ्रेंड नहीं करना है फ्रेंड्स को, ठीक है। तो इसको हम अनफ्रेंड करके दिखाएंगे इसके जितने भी फ्रेंड्स होंगे इस अकाउंट पे। तो यहाँ पर नीचे की साइड में थोड़ा सा आते हैं और ये फ्रेंड्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर सी ऑल फ्रेंड्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स दिख रहे होंगे, 113 फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। और यहाँ पर एक क्लिक करूँगा और सारे के सारे फ्रेंड्स यहाँ पर अनफ्रेंड हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिंपली प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर मोनोकाई टूलकिट इस तरह से टाइप करके सर्च करना है और यहाँ पर पहली ऐप इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। यही वाली ऐप आपको डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। इसको आपको ओपन करना है। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर लॉगिन करने को बोलेगा। तो यहाँ पर हमारी ऐप ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ऊपर की साइड में जहाँ पर लोगो बना है फ़ोटो लगाने का, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको लॉगिन करने को बोलने लगेगा। तो जैसे ही हमने लोगो पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमसे लॉगिन करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर फेसबुक से आपको लॉगिन करना है। जिस फेसबुक के आपको फ्रेंड्स को अनफ्रेंड करना है उसी फेसबुक के अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन करना है। तो यहाँ पर लॉगिन विद फेसबुक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन रहेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जिस भी अकाउंट के आपको फ्रेंड्स अनफ्रेंड करने हैं उसको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली आपको आपके ऐप पर ले जाएगा जो अभी हमने ऐप डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉगिन हो रहा है, ऑथेंटिकेशन यहाँ पर ले रहा है और एक ऐड आ सकता है। इस तरह से आपको ऐड देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में यहाँ पर कट का निशान बनेगा, छोटा सा बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारी ऐप दोबारा से यहाँ पर ओपन हो चुकी है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर क्लीन योर फ्रेंड लिस्ट का एक ऑप्शन है पहले नंबर पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर रिमूव ऑल फ्रेंड्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और इस तरह से जैसे ही क्लिक करोगे तो हो सकता है आपका भी यहाँ पर ऐड आ जाए, तो यहाँ पर ऐड को आपको कट कर देना है। जैसे ही कट करोगे तो यहाँ पर स्टार्ट स्कैन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही स्कैन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सारे फ्रेंड्स को इस तरह से स्कैन कर लेगा। देखिए इसने सारे फ्रेंड्स यहाँ पर स्कैन कर लिए। अब यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स आपको अनफ्रेंड करने हैं उनको चाहे तो आप बारी बारी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ऊपर की साइड में सिलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिए तो ये सारे फ्रेंड्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। किसी को अगर हटाना हो तो इस तरह से उसको अनचेक भी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही अनचेक आप कर देते हो तो देखिए 112 फ्रेंड्स से 3 हमारे यहाँ पर और वो सारे यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर अनफॉलो जहाँ पर लिखा है यहाँ पर अनफॉलो कर सकते हो या फिर डिलीट फ्रेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर डिलीट फ्रेंड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पर देखिए रिमूव फ्रेंड्स का ऑप्शन आ रहा है। 5 फ्रेंड अनफ्रेंड हो चुके हैं, 6 अनफ्रेंड हो चुके हैं। यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मोबाइल थोड़ी देर के लिए रख देना है। एक मिनट के अंदर अंदर ये सारे फ्रेंड्स आपके अनफ्रेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हमें कहीं पे कुछ भी टच नहीं करने की ज़रूरत है, बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मोबाइल ऐसे ही आप छोड़ दोगे। ऐड आता है तो उसको कट कर देना, नहीं भी कट करोगे तो अनफ्रेंड होता रहेगा यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए हम एक मिनट यहाँ पर वेट करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर 110 फ्रेंड अनफ्रेंड हो चुके हैं और एक दो फ्रेंड और रह गए हैं बस यहाँ पर, और हमारे सारे के सारे फ्रेंड्स यहाँ पर 112 फ्रेंड्स फाइनली रिमूव हो चुके हैं। बस आपको ओके कर देना है। अब देखिए फ्रेंड लिस्ट यहाँ पर 0 आ रही है, यहाँ से तो रिमूव हो चुके हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करके। तो यहाँ पर मैं ज़रा फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने ओपन किया और एक बार इसको रीस्टोर कर देता हूँ, एक बार रिलोड कर देता हूँ, ठीक है। रिलोड करने के बाद यहाँ पर हम इसके सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर सी ऑल फ्रेंड्स पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर जो हमारे फ्रेंड्स दिख रहे थे, देखिए नो फ्रेंड टू शो, यहाँ पर एक भी फ्रेंड हमारा नहीं रह गया, सारे के सारे फ्रेंड्स यहाँ पर अनफ्रेंड हो चुके हैं। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको यहाँ पर एक बार अपना पासवर्ड चेंज कर देना है, ठीक है। पासवर्ड क्यों ज़रूरी चेंज करना है, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी ऐप पर लॉगिन किया था अपने फेसबुक अकाउंट को, तो हम कोई भी ऐसा नहीं चाहते कि यहाँ पर हमारा पासवर्ड किसी को मिले,
ठीक है, कोई भी इनवैलिड एक्टिविटी हो हमारे अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे, अपना पासवर्ड भी चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे फिर से क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन रहेगा सेकंड नंबर पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो तो नीचे की साइड में थर्ड नंबर पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन रहेगा पहले नंबर पर, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और अपना अकाउंट जो आपका रहेगा यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, अपना करंट पासवर्ड या जो पुराना पासवर्ड है वो डालिए। उसके बाद नया पासवर्ड जो रखना चाहते हो वो डालकर यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दोगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बस इसलिए बता दिया ताकि आपका जो अकाउंट है वो सेफ़ रहे। ठीक है, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी ऐप पर लॉगिन किया था। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स को अनफ्रेंड कर सकते हो वन क्लिक करके, जैसे मैंने आपको दिखाया। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।